आप देख रहे हैं TNB। दिल्ली में शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यानी कि गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर जाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये साफ अब तक नहीं हो सका है। वहीं ईडी ने कुछ दिन पहले ही केजरीवाल को पूछताछ के लिए 14 समन जारी किया था। ईडी ने केजरीवाल को 18 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था। ईडी इससे पहले केजरीवाल को 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है, लेकिन दिल्ली के सीएम इन तीनों समन को स्किप कर दिया था और इन्हें गैर कानूनी बताया था। केजरीवाल के गुरुवार को ईडी दफ्तर जाने के बारे में मुख्यमंत्री कार्यालय ने अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के ठीक बाद केजरीवाल भगवंत मान के साथ गोवा के लिए रवाना हो सकते हैं। एक दिन पहले बुधवार को जब अरविंद केजरीवाल से ईडी के चौथे समन के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, जो भी कानून संगत काम है उसे कानून के हिसाब से करेंगे। केजरीवाल का लोकसभा चुनाव की तैयारियों मद्देनजर गुरुवार से गोवा का दौरा शुरू हो रहा है। केजरीवाल गोवा में 18, 19 और 20 जनवरी तक गोवा रहेंगे और वहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही पब्लिक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। बता दें चले कि इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 3 जनवरी को पेश होने के लिए तीसरा समन भेजा था, लेकिन उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया था और पेश नहीं हुए थे। केजरीवाल ने ईडी को एक पत्र भी भेजा था। ईडी के समन में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो यह बताए कि मुझे क्यों समन भेजा गया। समन में यह भी स्पष्ट नहीं है कि ईडी द्वारा मुझे व्यक्तिगत तौर पर या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया गया है। बिना स्पष्ट जानकारी वाले इस तरह के समन पहले भी कोर्ट द्वारा गैर कानूनी करार दिए जा चुके हैं और कोर्ट द्वारा रद्द भी हो चुके हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव में व्यस्तता का भी जिक्र किया था। मुख्यमंत्री होने के नाते 26 जनवरी की तैयारियों में व्यस्त होने का हवाले भी दिया था। केजरीवाल ने ईडी समन मीडिया में लीक होने का मामला भी उठाया और पूछा, क्या ईडी द्वारा मेरी छवि खराब करना ही मकसद है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा पूछताछ में बुलाने की वजह भी पूछी थी और ईडी से लिखित सवाल भी मांगे थे। केजरीवाल ने ईडी से कहा था कि कानून के मुताबिक हर तरह की जांच में शामिल होने को तैयार हूं। हालांकि ईडी की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि ईडी के पास समन भेजने कोई ठोस वजह और जस्टिफिकेशन नहीं है। केजरीवाल ने ईडी को कानून के तहत और पारदर्शी तरीके से एक्ट करने की सलाह भी दी थी। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ईडी के सवालों से बचने के लिए क्या केजरीवाल ने ईडी को सवाल भेजना शुरू कर दिया है, और पत्र में जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं तो क्या ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अधिकार है कि संवैधानिक संस्थाओं पर ये खुद प्रश्न पूछें। देखना दिलचस्प होगा कि ईडी के चौथे समन का जवाब और क्या कुछ केजरीवाल देते हैं, क्या वो ईडी के समक्ष पेश होते हैं या फिर नहीं। ऐसे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए TNB, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल TNB को सब्सक्राइब करना ना भूलें।